गुड इवनिंग गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 18 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि पानी भरा हुआ है इस जार के अंदर में। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो, अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो सिलिंड्रिकल वेसल है, इसका मतलब नीचे वाला जो इसका सरफेस होगा वो गोल होगा, है ना, और ये कुछ हाइट होगी इसकी, ठीक। इसके अंदर क्या बोला है कि टोटल 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है, और साथ ही साथ एक क्या रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास का पीस रखा हुआ है। देखो, अ सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द वेसल। तो ये अंदर जो रखा हुआ है ग्लास का आइटम, ये भी कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये भी सिलेंड्रिकल है। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, और जो वेसल है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस इज सीन बाय पेरेक्सियल रेस, बॉटम, ये बॉटम है ना भाई, इसको यदि देखा जाए बाय पेरेक्सियल रेस। पेरेक्सियल रेस का क्या मतलब होता है, विच आर ऑलमोस्ट नॉर्मल टू द सर्फेस, है ना भाई, इन मतलब जो ऐसे जाएंगे लगभग, ठीक है, हल्का सा बैंड होके, हल्का हल्का बैंड होके ऐसे चले जाएंगे, इनको पेरेक्सियल रेस बोलते हैं। जबकि एक ऐसी रे जो ऐसे गई फिर इतना बैंड हो गई और ऐसे चली गई, ये नॉन पेरेक्सियल रे होती है, ठीक है। तो इसकी बात नहीं करनी है अपने को, इसकी बात करनी है, ठीक है। और जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, विच इज़ गिवन बाय थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू 1 - 1 बाय म्यू, ये किसके लिए वैलिड होता है, ये पेरेक्सियल रेस के लिए ही वैलिड होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई कर दिया है कि रेस कैसी है, पेरेक्सियल है, ठीक। आगे बात करते हैं, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 दे रखा है, अच्छी बात है, और पानी का दे रखा है 1.33। तो अपने को बताना है कि ये जो है, ये वाला सरफेस वो कहाँ पर दिखाई देगा, इसको बॉटम बोल रहे हैं, है ना, और इस ये बॉटम एक्चुअल में इस देखने वाले को कहाँ दिखाई देगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये वाटर की टोटल हाइट, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, पर जो डेटा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, देखो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इतनी, ये टोटल वॉल्यूम है ना, और ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी h इंटू पाए, ये बेस का एरिया है ना, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाए इंटू रेडियस का स्क्वायर, टोटल डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 800 पाई, ठीक है। तो h इंटू पाई इंटू 36 विल बी इक्वल टू 800 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अब ये कैसा है तो सिलेंडर ही, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ ग्लास है वो क्या हो जाएगा, बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई विच इज पाई इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस 4 हो जाएगी, इंटू हाइट विच इज 8। सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर का एरिया यही होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है ना भाई। तो एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, पाई इंटू 16 × 8, ठीक है। तो अब इसको जो है अपन सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना, हाइट निकल जाएगी। ये हाइट कौन सी है ध्यान रखना, ये टोटल हाइट माना हूँ मैं, ठीक है, टोटल हाइट। तो पाए से पाए गया, ये पाए गया, इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 200 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा। तो 9h विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 प्लस 16 × 2 = 32। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 232/9, ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मैं इस सेटअप को फिर से ध्यान से देखो, इस सेटअप को मैं ये मान सकता हूँ कि ये बेसिकली दो स्लैब है, एक तो यहाँ और यहाँ के बीच में रखा हुआ है, इन दोनों लाइंस के बीच में, मतलब जहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, और दूसरा ये जहाँ पर क्या रखा हुआ है, वाटर। देखो भाई, यहाँ वाटर रखा हुआ है और यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, तो ये जबरन इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन को दे रखा है, ये कुछ नहीं है, सिंपली
कंपोजिट स्लैब है जिसमें ऊपर में पानी है और नीचे में क्या है, ग्लास है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है उसकी इमेज अपने को बतानी है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट निकाल लेंगे। ठीक है, शिफ्ट निकाल के देखते हैं भाई। अब शिफ्ट कितनी आएगी ये देख लेते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट विल बी इक्वल टू वॉट, टोटल शिफ्ट, एक तो शिफ्ट ड्यू टू वाटर प्लस शिफ्ट ड्यू टू ग्लास, सॉरी शिफ्ट ड्यू टू ग्लास। अब शिफ्ट ड्यू टू वाटर क्या होगा, ये वाली हाइट है ना, क्योंकि यही ग्लास की, यही स्लैब की थिकनेस हो गई। अगर मैं इसको इफेक्टिव स्लैब मानता हूँ तो ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई, विच विल बी इक्वल टू वॉट, एच माइनस एट, क्योंकि ये टोटल हाइट एच है और ये कितना है, ओ सॉरी ये कितना है, एट है, तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एट है ना भाई। तो थिकनेस ऑफ द वाटर विल बी 232 माइनस अपॉन 9 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ वाटर, एंड व्हाट इज म्यू ऑफ वाटर, 1.33। ठीक है, प्लस शिफ्ट ड्यू टू ग्लास, अब ग्लास की थिकनेस कितनी, 8 है, इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ ग्लास है ना भाई, और ग्लास का म्यू कितना दिया हुआ है अपने को, 1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना टोटल शिफ्ट। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन खुद करते रहना आराम से, है ना, तो टोटल जो शिफ्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 7.09 सेंटीमीटर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेटर यूज़ करना है, खुद से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी उटपटांग टाइप की कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन पेपर में, जेई हो चाहे नीट हो, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये एससी वर्माई में इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेटा उटपटांग टाइप का होता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका, है ना, तो यहाँ पर अपने को कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ है। एससी वर्मा में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि अपने को कैलकुलेटर नहीं बनना है कि अपन बिल्कुल गणित, मतलब गणित तो नहीं बोलना चाहिए, पर कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट नहीं बनना है अपने को। ठीक है ना, अपने को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, उतनी ही कैलकुलेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए जितनी आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे को ज़रूर बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा 101% गारंटी के साथ। ठीक है, तो बाय।